नमस्कार मित्रों, मैंने विज्ञान विषय पर एक क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज़ प्रारंभ की है, जिसमें आपसे किसी टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। 5 सेकंड के बाद प्रश्न का सही उत्तर बताया जाएगा। इस प्रकार बहुत कम समय में किसी टॉपिक को आप सीख सकते हैं या उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पदार्थ एवं इसके प्रकार, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने ये। हमारे आसपास की वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं क्या कहलाती हैं? इसका सही उत्तर है पदार्थ। पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ठोस, द्रव तथा गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है तत्व, यौगिक तथा मिश्रण। ठोस पदार्थों के क्या गुण होते हैं? इसका उत्तर है इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थों के क्या गुण होते हैं? इसका सही उत्तर है इनका आकार निश्चित नहीं, परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस पदार्थों के क्या गुण होते हैं? इसका सही उत्तर है इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह किस अवस्था में बदल जाता है? इसका सही उत्तर है द्रव अवस्था में। द्रव पदार्थ को गर्म करने पर वह किस अवस्था में बदल जाता है? इसका सही उत्तर है गैस अवस्था में। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताओ जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। इसका सही उत्तर है जल। किसी द्रव में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? का उत्तर है विलेय तथा अविलेय पदार्थ। कठोरता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं?
इसका उत्तर है कठोर तथा मुलायम पदार्थ। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है पारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है अपारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार आंशिक रूप से या धुंधला देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर है पारभासी। दो पारदर्शी वस्तुओं के नाम बताओ। इसका सही उत्तर है कांच और जल। दो अपारदर्शी वस्तुओं के नाम बताओ। इसका उत्तर है लकड़ी और कागज। दो पारभासी वस्तुओं के नाम बताओ। इसका सही उत्तर है घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ कागज। चुंबक जिन पदार्थों में चिपक जाता है क्या कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है चुंबकीय पदार्थ। चुंबक जिन पदार्थों में नहीं चिपकता है क्या कहलाते हैं। इसका सही उत्तर है अचुंबकीय पदार्थ। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है अणु। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर है परमाणु। किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। इसका सही उत्तर है परमाणु। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है जॉन डाल्टन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को किन अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है।
इसका सही उत्तर है धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही उत्तर है ऋण आवेश। न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही उत्तर है कोई आवेश नहीं होता। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।